बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हां, ये मेरा वीडियो है रिया चक्रवर्ती और उसके पीछे के बड़े बड़े लोगों के लिए जो जानबूझ के सुशांत सिंह राजपूत के मेमोरी को खराब करना चाहते हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत जो एक टैलेंटेड फिट सुपरस्टार था, ये कह के कि वो एक ड्रग एडिक्ट हो गया था। तो हम सबको पता है कि बॉलीवुड के अंदर सबसे बड़ा ड्रग एडिक्ट कौन है, संजय दत्त के ऊपर तो पिक्चर भी बनी है और आज की तारीख में ही इज अनवेल बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स, प्रोबेबली बिकॉज ही डिडंट गिव इट अप। एंड उसके बावजूद हम सब ने करण जोहर का खुद का वीडियो देखा है जहां पर उसके घर के अंदर किस तरह की पार्टीज होती है। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का एडिक्शन है एंड दैट इज नो यू नो देयर इज नो डाउट अबाउट दिस थिंग, मगर आप जानबूझ के सुशांत सिंह राजपूत की मेमोरी को अटैक करना चाहते हैं अपने आप को बचाने के लिए विद द हेल्प ऑफ सो कॉल्ड लिबरल मीडिया। तो रिया चक्रवर्ती, आपको सोचना चाहिए कि यह सोशल मीडिया का जमाना है। 2013 में ना वो डिप्रेस थे, ना वो कोई डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे। मोडोफिनिल, जिसका नाम लेके आप राजदीप सरदेसाई के शोल्डर के ऊपर रो रही थी, वो एक सोने की दवाई है या स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने की दवाई है। तो झूठी खबरें फैलाना बंद करिए। जैसे आपने मोलेस्टेशन की कहानी फैलाई, यू नो एक्यूजिंग सुशांत सिंह राजपूत सिस्टर, वैसे आप ये डिप्रेशन की कहानी फैलाने का प्रयास कर रही थी कि कैसे उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता था यू नो बिफोर फ्लाइंग, जबकि उसके फ्लाइंग के वीडियोज वायरल किए हैं अंकिता लोखंडे ने। अंकिता लोखंडे के साथ कभी वो डिप्रेस्ड नहीं था, मगर आपके आने के बाद वो डिप्रेस्ड हो गया। तो सबको समझ जाना चाहिए कि कौन आस्तीन का सांप है। नमस्ते।